चलो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो अब हमारे दो क्लासेस बचे हैं, सो लेट अस सी देम वन बाय वन। सो टुडे फर्स्ट वील ट्राई टू कंप्लीट रैंक पोर्शन इन लीनियर अलजेब्रा टुडे, एंड आफ्टर दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट रैंक ऑफ मैट्राइसिस और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देन वी विल स्टार्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज योर टारगेट फॉर लीनियर अलजेब्रा टुडे, एंड वी विल सॉल्व योर डाउट्स ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। And we will start one new topic at least. Okay, so let us start linear algebra. So in last class we have studied what is rank of matrix, we have learnt its definition and various methods with the help of which we can find rank of matrix. And based on that I have given you a few example also. I have also told you that rank of matrix ki ek aur definition hai. We are having one more definition as well for rank of matrix. That definition we are going to see today. Okay. वो डेफिनेशन आज मैं आपको बताऊंगा और उसके बेस पे से भी हम एग्जांपल देखेंगे। सो पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन वन होमवर्क में दिया था 4, 5, 6, 7 और उसके फाइनल रो थी 43, 44, 45, 46, उसका रैंक सबका आ गया, क्या क्या रैंक आया जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स आप सबका रैंक क्या आया है, एंड देन आई विल टेल कि वो राइट है कि रॉन्ग है और अगर रॉन्ग है तो उसमें क्या मिस्टेक है। ओके okay, मतलब क्या राइट आंसर आएगा। सो वो आपका मैट्रिक्स था 4, 5, 6, 7 जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46। ओके okay, क्या आया था रैंक, सबने ट्राई किया कि घर से ट्राई नहीं किया, बोलो सर हमने ट्राई नहीं किया है, बोलो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस स्टूडेंट्स। अगर ट्राई नहीं किया तो बोलो मैं कराता हूं अभी फटाफट। ओके okay, अगर किया है तो जो आंसर आया वो चैट बॉक्स में टाइप करो। ओके सो कोई आंसर नहीं दे रहे तो आई थिंक नहीं ट्राई किया होगा। चलो देख लो इसका हमें रैंक निकालना है। अब रैंक निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर प्रोसीजर। रैंक निकालने के लिए आपको इसको रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो रो इकलन फॉर्म के लिए मुझे कौन बताएगा, व्हाट वाज अवर रो इकलन फॉर्म। राइट, रो इकलन फॉर्म आपका होता है ऐसे, मैंने आपको स्टेयरकेस याद रखने के लिए बोला था, उसकी डेफिनेशन भी है बट डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर स्टेयरकेस कि रो इकलन फॉर्म मतलब आपका स्टेयरकेस होना चाहिए, स्टार 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 एनी एलिमेंट, उसके नीचे जीरो जीरो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। राइट और उसके लिए मैंने आपको बोला था कि हम पहले इसको वन बनाएंगे, इसकी मदद से नीचे वाले दोनों को जीरो बनाएंगे, इसको वन बनाएंगे, उसके बाद उसकी मदद से जीरो बनाएंगे, इसको वन बनाएंगे। ओके नाउ फॉर दैट वी कैन यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। नाउ सी ओवर हियर, अभी आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स मुझे इसका निकालना है। इफ यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न, जब भी आपको ये पैटर्न दिखे तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, सी इट इज 4, 5, 6, 7 फिर 11, 12, 13, 14 तो क्या मिलेगा 7, 6, 13 minus 7, 6, 6 plus 7, 13, 5 plus 7, 12, 7 plus 4, 11। तो पहली रो और दूसरी रो में आपका डिफरेंस है 7, ठीक है। सेकंड रो एंड थर्ड रो में देखो 14 plus 14, 28, 13 plus 14, 27, 12 plus 14, 26, 11 plus 14, 25। तो जब भी आपके पास कंजिक्यूटिव नंबर्स आए, ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंस हो रहा है 14, विच इज कॉमन फॉर ऑल द केसेस। सो जब भी आपके पास कंजिक्यूटिव नंबर्स हो, जैसे यहाँ पे कंजिक्यूटिव नंबर दिया 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, सो व्हेन एवर यू विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न दैट यू आर हैविंग कंजिक्यूटिव पैटर्न, सो योर डिफरेंस विल बी ऑलवेज सेम। सो व्हेन एवर यू विल बी हैविंग कंजिक्यूटिव पैटर्न यू कैन फॉलो दिस मेथड जो अभी हम करेंगे, वही सेम चीज यहाँ पे भी होगा 28 एंड 46, व्हाट इज द डिफरेंस 16 माइनस 8 इट इज 8, राइट, एंड 4 माइनस 2 3 माइनस 2 हो जाएगा 18, इजंट इट।
तो 46 माइनस 28 अब यही यहाँ पे होगा 8 प्लस 7 15 राइट, 8 प्लस 6 14 और 8 प्लस 5 43। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? जो मैं बता रहा हूँ आपको पता चल रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? ओके सी हियर, नहीं तो डिफरेंस निकालेंगे तो और पता चलेगा। सो हियर द ऑपरेशंस दैट वी कैन अप्लाई आर, फर्स्ट हियर वी विल अप्लाई और वी आर गोइंग टू अप्लाई will apply R4 can be converted to R4 minus R3. R4 में से R3 को minus कर देंगे. R3 can be converted to R3 minus R2 and R2 can be converted to R2 minus R1. Okay. So each row में से उसके previous row को हम minus कर रहे हैं. Okay. तो each row में से अगर उसके हम previous row minus कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा and this matrix can be converted to first row आपकी as it is रहेगी. बिकॉज फर्स्ट रो में से हम किसी को माइनस नहीं कर रहे, फर्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं समझ रहे यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर, वेट वेट ओके ना। तो अब सेकंड रो में से अगर मैं फर्स्ट रो को माइनस कर रहा हूं, इफ यू ऑब्जर्व दिस initiation that is R2 minus R1, second row में से first row minus करो, 11 minus 4, 7, 12 minus 5, 7, then 13 minus 6, 7, 14 minus 7, 7, so everywhere we are getting 7, चलो फिर R3 minus R2 में कर रहा हूँ, okay, 25 minus 11, 14, 26 minus 12, 14, 27 minus 13, 14, 28 minus 14, 14, then 43 minus 25 ये कर रहा हूँ finally R4 tends to R4 minus R3 तो ये आपका क्या हो जाएगा 18 18 18 18 isn't it ये आपका हो गया 7 7 7 14 14 14 18 18 18 क्या ये चीज पहले क्लियर होगी स्टूडेंट्स? चलो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ समझो, क्या यहाँ पे मैं 7 को कॉमन निकाल सकता हूँ? Can I take 7 common from R2? Please give me some response. Can I take 7 common from R2? Type in chat box yes or no. Then I will type it is right or wrong. No. No students, no. Because it is matrix. Right. ये आपको clearly दिखा रहा है कि आप बस पढ़ रहे हो, घर से मेहनत नहीं कर रहे हो. घर से मेहनत करना important है. घर पे सारी चीज़ आपको office देखनी पड़ेगी. Formula book अलग से बनानी पड़ेगी. Formula book दीवार पे चिपकानी पड़ेगी. Formula book तभी याद रहेगा. रेगुलर बुक में सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इन डिटरमिनेंट वी कैन टेक कॉमन रो वाइज और कॉलम वाइज. ओके डिटरमिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं. दिस इज योर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, बोलो ये आपका डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है? दिस इज योर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से कॉमन नहीं निकलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैट्रिक्स में से आपको कॉमन निकालना है तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन निकालना पड़ेगा. इज इट क्लियर? Please give me some response, students. Let us make this session interactive. Okay. Now there is one new person जो Redmi नाम से join in है, right? उनको शायद पता नहीं चल रहा होगा Redmi. हाँ, तो Redmi नाम से जो भी join है, please stop your video and change your name. Okay. ओके नाउ लेट अस सी ओवर हियर स्टूडेंट्स. सो ये चीज क्लियर हो गई? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ओके सो यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं अब. ओके तो ये आपका मैट्रिक्स है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सेम ये पैटर्न फॉलो करेंगे. तो मैंने बोला एक आपको वन बनाना है, उसकी मदद से सारे जीरो बनाना है. तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R2, R3, R4 इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. सी व्हाट आर माय रो ऑपरेशंस ओवर हियर इज, मैं R2 को 1 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? तो ये नए मैट्रिक्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ पे, राइट? व्हाट आई विल डू नाउ इज R2 को मैं 1 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन दिखाई थी. ठीक है, सो हियर आई विल मल्टीप्लाई R2 विथ 1 बाई 7, R3 with 1 by 14
एंड आर फोर विथ 1/18, ठीक है? एलिमेंट्री ऑपरेशन याद है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये नया मैट्रिक्स मुझे मिलेगा 4, 5, 6, 7, 1, 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
वन की मदद से आप बाकी सारे वंस को जीरो कर सकते हैं। तो अब ये आपका नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, समझो आर टू में भी वन है, आर थ्री में भी वन है, आर फोर में भी वन है, सारे एलिमेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये वन की मदद से, ये पूरी रो की मदद से उसके नीचे वाले दोनों रो को क्या मैं जीरो कर सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, इजंट इट? क्या मैं जीरो कर सकता हूँ या नहीं? ओके, सो हियर मैं आर थ्री से आर टू, आर थ्री आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर थ्री माइनस आर टू, एंड आर फोर आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर फोर माइनस आर थ्री। ओके, सो ये आपका हो जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन वन 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 जीरो 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 जीरो। इज इट क्लियर नाउ? राइट, चलो अब इकलन फॉर्म लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सी वी हैव टू मेक स्टेयरकेस। इकलन फॉर्म के लिए यहाँ पे आपका नंबर है, उसकी मदद से उसके नीचे वाला जीरो होना चाहिए, फिर ऐसे स्टेयर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये ऑल जीरो रोज शुड बी एट बॉटम, तो ये तो जीरो रोज है, क्या यहाँ पे मैं ऐसे स्टेयरकेस बना सकता हूँ? इस ए फोर की मदद से मुझे इसको जीरो करना है, तो मैं कैसे जीरो कर सकता हूँ? सी आर टू में वन है, आर वन में फोर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आर टू में से राइट आर वन को माइनस कर सकता हूँ। आर वन को उसके लिए पहले वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर इंटू वन बाई फोर वन हो जाएगा, राइट? तो वो आपका हो जाएगा। या अगर इसमें आपको डिफिकल्टी हो तो वी विल डू इन टू स्टेप्स। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर वन को वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाए थे स्टेप्स, कि इकलन फॉर्म में लाने के लिए पहले हम वन करेंगे, वन की मदद से उसके नीचे वाला जीरो करेंगे, अगेन फिर दूसरा वन करेंगे, उसके नीचे वाला जीरो करेंगे। सो फोर को पहले वन करने के लिए मैं आर वन को वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू वन फाइव बाई फोर सिक्स बाई फोर सेवन बाई फोर। सिक्स बाई फोर को मैं थ्री बाई टू भी लिख सकता हूँ, देन इट इज वन 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 जीरो 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 जीरो। चलो अब मुझे जीरो बनाना है, राइट? इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आर टू कैन बी कन्वर्टेड टू आर टू माइनस आर वन। तो ये कन्वर्ट करके आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट? से यहाँ पे मैट्रिक्स के मैं आगे सिमिलर सिंबल लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, ये नया ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। सो वन फाइव बाई फोर थ्री बाई टू सेवन बाई फोर, इन डिटर्मिनेंट इफ यू अप्लाई दिस ऑपरेशन तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, सेम डिटर्मिनेंट मिलेगा, बट इन मैट्रिक्स इफ यू अप्लाई तो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, सो सी हियर, सो वन की मदद से मैं नीचे जीरो कर रहा हूँ, तो दिस विल बिकम वन माइनस वन जीरो, वन माइनस फाइव बाई फोर, सो वन माइनस फाइव बाई फोर फोर माइनस फाइव माइनस वन बाई फोर, वन माइनस थ्री बाई टू माइनस हाफ, वन माइनस सेवन बाई फोर फोर माइनस सेवन माइनस थ्री बाई फोर, और नीचे हमें मिल रहे हैं जीरो 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 जीरो। नाउ ऑब्जर्व द स्टेयरकेस ओवर हियर, क्या यहाँ पे स्टेयरकेस बन रही है? यस, दिस इज अवर स्टेयरकेस, सो डेफिनेटली आपका रो इकलन फॉर्म है, और अगर रो इकलन फॉर्म है तो रैंक क्या हो जाएगा, इसमें आपके जितने नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज कितने हैं? टू। So rank of matrix is 2. क्या पता चला students? Is it clear now? Okay. तो ये ऐसे वाले question हमारा एक special case है जिसमें आपको ऐसे consecutive numbers मिले. So जब भी आपको consecutive numbers मिले, आपको यही method follow करनी है. Consecutive मतलब पता चल रहा है ना? 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7. So whenever you are having consecutive numbers in rows, then you have to use this method. Okay. So consecutive numbers in rows, then you have to use this method. Okay. Chalo. Any doubt in this? Should I repeat this once again? So, jaisa maine isko consecutive numbers dekha, yahan pe identify kiya ki here we are having consecutive numbers, and difference of first row and second row is constant. Second row and third row and third row and fourth row is constant. So, let us subtract those rows. R2 mein se R1, R3 mein se R2, R4 mein se R3. So, in second row, I got 7. In third row, I got 14. And fourth row, I got 18. तो अगर ये आपके कांस्टेंट हैं, तो अगर सेकंड रो को मैं 1 बाई 14 से 1 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड को 1 बाई 14 से, फोर्थ को 1 बाई 18 से, सो इट ऑल दिस नंबर्स विल बिकम 1, ओके?
एंड नाउ आफ्टर यूजिंग, अगर अब वन है तो कोई भी एक रो को पकड़ के बाकी के रोज को मैं जीरो कर सकता हूँ. सो उन सबको पहले मैंने जीरो कर दिया. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट देम इन इकलन फॉर्म. इकलन फॉर्म मतलब आपका ऐसा फॉर्म होना चाहिए, इट शुड बी स्टेयरकेस, राइट, वन के नीचे जीरो जीरो फिर जीरो जीरो. यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट फोर है तो उसको पहले वन बनाना है, तो उसको हमने पहले वन में कन्वर्ट किया, फिर वो वन की मदद से हमने इसको जीरो में कन्वर्ट किया, तो ये आपका इकलन फॉर्म आ गया. एंड नाउ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर टू. ओके, चलो देखे दूसरा क्वेश्चन. अब इसी तरीके का आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जो गेट 2012 का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ वापिस. चलो, तो अगर ये आपने ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली वो भी ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है. हाँ, यस, आंसर टू है हितेश. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी आपका सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है. उसमें आपको क्या दिया था, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, और उसके बाद आपको दिया था 2009 से 12, 2009, 2010, 2011, 2012. Is it clear now? Okay. चलो, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन. तो ये सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पे भी आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इजंट इट? अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर है तो ऊपर वाली पैटर्न ही लगेगी, राइट? तो अगर आप ये पैटर्न अप्लाई करो जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखी, सो सी ओवर हियर. तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या है, फोर, एवरीवेयर इट इज फोर. इन दोनों का डिफरेंस भी एवरीवेयर फोर, और इन दोनों का डिफरेंस भी एवरीवेयर फोर. सो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करके अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको सारे स्टेप्स दिखाए. सिंस इट इज गेट, आपको अब शॉर्टकट में भी सीखने हैं. सो 2001 माइनस 1997, मैं क्या करूंगा, R2 माइनस R1 अप्लाई करूंगा, R3 माइनस R2 अप्लाई करूंगा, R4 माइनस R3 अप्लाई करूंगा. तो वो अप्लाई करके अब डायरेक्टली जो मेरी फर्स्ट रो है वो मुझे एज इट इज मिलेगी. तो वो लिख भी नहीं रहा हूँ, दिस इज माई शॉर्टकट, डायरेक्ट ऐसा रख दिया, तो फर्स्ट रो एज इट इज. बाकी सारी रोज में मुझे मिल जाएगा 4444, सेकंड रो में 4444, थर्ड रो में 4444, फोर्थ रो में 4444, isn't it? अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर में अप्लाई कर सकता हूँ सबको. नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं सबको 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब आपका बन जाएगा 1111. ओके, तो वो आपका हो जाएगा 1111 डायरेक्टली, 1111, 1111, 1111, 1111, राइट? पता चल रहा है ना शॉर्टकट कैसे यूज करने हैं स्टूडेंट्स? R2 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, R3 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, R4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये रो की मदद से इसको भी जीरो और इसको भी जीरो, तो डायरेक्ट जीरो, 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 डायरेक्ट जीरो. ओके, अब यहाँ पे आपका ऊपर क्या है, यहाँ पे आपका है 1997, 1998, 1999 और 2000. अब इकलन फॉर्म में लाने के लिए इसकी मदद से आपको इसको जीरो करना है, तो वो कर ही सकते हैं. अब वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो डायरेक्ट करने जाओगे तो डिफिकल्ट होगा, तो डेफिनेटली हम वो जीरो कर सकते हैं, तो नो नीड टू चेक दैट. तो डायरेक्टली अब इसका रैंक हो जाएगा 2. पता चला स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब आप बोलोगे सर क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्टली याद रख लें कि ऐसा क्वेश्चन आया तो रैंक 2 होगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डायरेक्ट याद मत रखो बिकॉज इट इज गेट. बहुत सारी चीजें याद रखने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? ये पैटर्न डायरेक्ट याद रख लो कि ये पैटर्न होगी तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, और कुछ भी आपको ऊपर नीचे उन्होंने थोड़ा भी ट्विस्ट करके दिया तो आपकी सारी मेथड गलत हो जाएगी, राइट? इसलिए बेटर टू रिमेम्बर ओनली मेथड कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे करना है. ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनको पता चल रहा है, आई थिंक नेहा इज ऑल्सो न्यू स्टूडेंट टूडे. ओके, सो और ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, अभी कम स्टूडेंट्स क्यों अटेंड कर रहे हैं वापस? जब मॉर्निंग सेशन में कम स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे थे इसलिए फिर वापस इवनिंग सेशन रखा, बट अगेन चलो नो इश्यू. सो इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? राहुल, अहमद, आर यू गेटिंग? हाँ, वी कैन चेंज वन रो विथ अदर रो, प्रवीण. यस, we can change.
डेफिनेटली वी कैन चेंज रोज. ओके चलो. ओके सो गिव मी रिस्पॉन्स. ओके यू ऑल आर गेटिंग राइट. अभिषेक आई थिंक अभिषेक इज न्यू स्टूडेंट ऑल्सो. अभिषेक यू आर गेटिंग, इसे पता चल रही है. सो चलो लेट अस स्टार्ट न्यू क्वेश्चन देन. ओके चलो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स की आपको एक नई डेफिनेशन दिखा रहा हूँ. ठीक है एक और डेफिनेशन है पर शायद वो देख के आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट समझना क्योंकि वो क्वेश्चन से भी वो मेथड से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं. तो वो डेफिनेशन और वो डेफिनेशन के बेस पे से एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ. सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स न्यू डेफिनेशन. ओके ओके थैंक यू अभिषेक फॉर रिस्पॉन्स. नाउ सी सो दिस न्यू डेफिनेशन इज the largest order of non-vanishing minor, the largest order, I think इसने अपने आप को unmute किया है. Okay. So largest order of non-vanishing minor of a given matrix is called rank of matrix. So largest order of non-vanishing minor of a given matrix is called rank of a matrix. चलो तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज माइनर. ओके व्हाट इज माइनर, सबसे पहले आपको ये माइनर समझना पड़ेगा. वैनिशिंग का तो एक क्वेश्चन में शायद मैंने आपको समझाया होगा. ठीक है वैनिश मतलब जीरो हो जाना राइट. तो अब हमें ये देखना है द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. तो सबसे पहले माइनर क्या है और एक मैट्रिक्स के कितने माइनर निकल सकते हैं. तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ. Suppose I am taking this example. Okay. This is your example और वो example से हम समझेंगे. This example is your matrix is 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. So 1, 2, 3, 0, 4, 5 and 0, 0, 6. Okay. Now अब मुझे इसका rank निकालना है. तो रैंक निकालने के लिए आपको ये बोला गया था लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर. माइनर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसके रो और कॉलम कोई भी एलिमेंट को, सपोज मैं कोई भी एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज ये वन एलिमेंट ले रहा हूँ. अब इसकी रो और कॉलम को अगर मैं हाइड कर दूंगा तो ये रो को हाइड कर दिया, कॉलम को हाइड कर दिया. तो अब जो मुझे 2x2 डिटर्मिनेंट दिख रहा है, दिस इज योर डिटर्मिनेंट माइंड वेल, ये मैट्रिक्स है. अब ये 2x2 डिटर्मिनेंट 4, 5, 0, 6 इट इज कॉल्ड योर माइनर ऑफ एलिमेंट वन. इज इट क्लियर डेफिनेशन ऑफ माइनर. माइनर का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो राइट. माइनर आपका एक एलिमेंट का निकलता है तो वो माइनर निकालने के लिए वो एलिमेंट को आपको हाइड करना पड़ेगा. वो एलिमेंट की जो भी रो और कॉलम है उसको आपको हाइड करना पड़ेगा. फिर आपको जो डिटर्मिनेंट दिखेगा दैट डिटर्मिनेंट इज माइनर ऑफ वन. Is it clear now? Please give me some response. आपको याद होगा adjoint के लिए जब हम cofactor निकालते थे, okay? तो उसके लिए आपका ये पहले minor. हाँ, yes. और cofactor में हम क्या करते थे? Sign multiply करते थे. Minor में आपकी sign multiply नहीं है, right? तो cofactor और minus में यही difference है. और वही उनके definition में भी difference है. तो इस तरीके से आप निकालोगे minor, right? And what is cofactor? तो cofactor is nothing but sine of that element minus 1 to the power i plus j. आपको याद हो तो ये sine के लिए formula थी, right? उसके लिए भी मैंने आपको फिर shortcut दिया था. So it is equal to minus 1 to the power i plus j into minor. So this is relation between cofactor and minor. Okay. तो cofactor आपका होता है minus 1 to the power i plus j into minor. Is it clear now? Please give me some response. Okay. चलो अब इसके बेस से रैंक कैसे निकालना है तो वो समझो.
तो रैंक के लिए आपको ऐसा बोला गया है कि द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके सारे माइनर्स निकालने पड़ेंगे और कितने माइनर वैनिश हो रहे हैं वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक अगर आपका 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहीं पे आपका ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका 3x3 माइनर निकालेंगे। सपोज दिस इज अवर मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स है हमारा 1, 2, 3, 0, 4, 5। अब आपको पता चलेगा ये हमने ये वाला मैट्रिक्स क्यों लिया था, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालने हैं हर केस में 0, 0, 6। दिस इज अवर ए 3x3 मैट्रिक्स। अब अगर ये ए हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर ए हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, इफ ए इज 3x3, तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो व्हाट इज इट्स डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये आपका पहला 3x3 माइनर होगा। ये कौन से एलिमेंट का माइनर होगा वो हमें पता नहीं है, बट ये आपका 3x3 माइनर होगा, राइट, क्योंकि वो कोई एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्टकट, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसका शॉर्टकट क्या होगा? राइट, यस, 24, प्रवीण, वेरी गुड। कैसे? विल जस्ट मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स, सो 1 × 4 × 6 की अपर ट्राइंगुलर के लिए, लोअर ट्राइंगुलर के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल एलिमेंट्स, सो इट इज 24। अब वैनिश का मतलब क्या हो रहा है समझना, वैनिश का मतलब ये हो रहा है कि वो जीरो हो रहा हो, राइट। जब वो जीरो होगा इट इज कॉल्ड वैनिशिंग, जब वो जीरो नहीं हो रहा है इट इज कॉल्ड नॉन वैनिशिंग, ठीक है। तो हमें ये देखना है, इट इज लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग मैट्रिक्स और नॉन वैनिशिंग माइनर। तो कौन सा लार्जेस्ट नॉन वैनिशिंग माइनर है वो देखना है। तो हम सबसे बड़ा माइनर पहले ले रहे हैं, वो 3x3 होगा। तो 3x3 हमने देख लिया कि 3x3 आपका नॉन जीरो है, सो हियर अवर 3x3 इज नॉन जीरो। अब हम उसके 2x2 माइनर्स पे जाएंगे, फिर मैं आपको पूरा चार्ट दे रहा हूँ इसके लिए कि हम क्या करेंगे, ठीक है। तो 3x3 डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो है। अब हम 2x2 चेक करेंगे, क्या कोई 2x2 माइनर हमारा जीरो है कि 2x2 माइनर हमारा नॉन जीरो है, वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो 2x2 माइनर हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी एनी 2x2 माइनर। तो अगर मैं ये 3 का 2x2 माइनर ले रहा हूँ, समझना, इफ आई एम फाइंडिंग माइनर ऑफ दिस 3 का अगर मैं माइनर ले रहा हूँ 2x2, तो वो आपको माइनर क्या मिलेगा, 0, 4, 0, 0। ओके, सो 1 2x2 माइनर, और आई कैन से माइनर ऑफ This is 3. 3 is your element in first row and third column. So it is called minor of first row and third column element. 0, 4, 0, 0. It is equal to 0 minus 0. So it is equal to 0. So अब यहाँ पे आपका 2x2 जो है वो vanish हो गया. 2x2 आपका 0 हो गया. ठीक है. तो इसका rank क्या होगा? Right. समझो. मैं rank की definition को generalize कर रहा हूँ. रैंक इज योर लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो इसका रैंक का आंसर देने से पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, राइट। सपोज आपको एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, राइट, फॉर अ मैट्रिक्स ए विच इज 3x3। पहले हम 3x3 के लिए लिखेंगे, फिर हम उसको n×n के लिए जनरलाइज कर लेंगे, राइट। तो फ्लो चार्ट तो आपको पता ही होगा। सो फर्स्ट वी विल चेक डिटर्मिनेंट ए 3x3। अब ये डिटरमिनेंट जब आप फाइंड करोगे आपके पास दो आंसर होंगे, आइधर वो जीरो होगा, आइधर वो नॉन जीरो होगा। ओके, चलो, आइधर वो इक्वल टू जीरो है, आइधर वो नॉट इक्वल टू जीरो है। चलो, अगर डिटरमिनेंट ए 3x3 नॉट इक्वल टू जीरो है, ओके, स्क्रीन इतनी ही हो पाएगी, राइट, जूम आउट करूंगा तो ओके, पहले लिख लेता हूँ फिर आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना हो रहा है, ठीक है, राइट, पर फिर बहुत छोटा हो जाएगा, जूम आउट में छोटा नहीं लग रहा है, बहुत छोटा है सर, वही ना, हाँ, नॉर्मल ओरिजिनल वाला ही ठीक था, पूरा चार्ट फिर आपको जूम आउट करके दिखा दूंगा, वेट, और इसमें ये ऐप में थोड़ा ये है, वेट, ओके, तो आई थिंक ये था ओरिजिनल, ओरिजिनल साइज यही था ना, ओके, हाँ, दिस इज अवर ओरिजिनल। फिर समझाने के लिए इतना देखना पड़ेगा, फिर लास्ट में पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही। सो इफ योर ए इज 3x3 मैट्रिक्स, समझना, अब उसका डिटरमिनेंट अगर
थ्री बाई थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि उसका रैंक हो जाएगा 3, नीचे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके अब अगर उसका 3/3 डिटर्मिनेंट 0 है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब और मैं नीचे जाऊंगा फर्दर, अब मैं 2/2 फाइंड करने की कोशिश करूंगा। समझना, इसलिए मैं बोल रहा था ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मैं इसे स्किप भी कर सकता था, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बेटर टू अंडरस्टैंड दिस। ओके तो अगर 3/3 आपका इक्वल टू 0 हो रहा है, इसके बाद हम 2/2 देखेंगे। अब 2/2 के लिए हमारे पास दो केस होंगे, 2/2 हमें बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे 3/3 तो एक ही था, तो 2/2 में आइदर हमें ऐसा मिल सकता है कि एनी वन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल आर 0, राइट, एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू 0, सो हियर आई एम टेकिंग दैट ऑल आर 0, या सारे आपको 2/2 0 मिल रहे हैं, या एनी वन इज नॉट इक्वल टू 0, या एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, एटलीस्ट वन 2/2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एटलीस्ट नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, जहां भी आपको नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब वो वैनिश नहीं हो रहा है, तो वो आपका रैंक हो जाएगा। सो दिस विल बी योर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 2। बट अगर सारे 0 हो रहे हैं, तो सेम प्रोसेस आप 1/1 के लिए फाइंड करोगे, सारे 1/1 माइनर चेक करोगे, क्योंकि पहले आपने 3/3 देख लिए, अब 2/2 देख लिए, अब आपको सारे 1/1 देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे ए 2/2 देखे, ठीक है, पहले आपने ए 3/3 देखे, ठीक है, 1/1 मतलब क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स ही हो जाएंगे सेपरेटली, ठीक है। तो ए 3/3 पहले देखा, फिर ए 2/2, अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे सारे 1/1, ओके, सो ऑल ए 1/1। अब यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मैं सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे भी सेम केस, आइदर सारे के सारे 0 होंगे, या एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो 0 ना हो। ओके यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट एक एलिमेंट, क्योंकि 1/1 मतलब वो सारे एलिमेंट ही आपके लिए बच जाएंगे, सो एटलीस्ट वन एलिमेंट आपके पास ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका रैंक हो जाएगा 1, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, पूरा पेशेंस रखना, पहले पता नहीं चलेगा, ठीक है, सारे अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है, जस्ट म्यूट योर सेल्फ प्लीज, एंड इफ ऑल आर 0, then its rank will be 0.